कैसे आप किसी और को कॉल कर रहे थे मैं चक्कर बोला आपके लिए आया हूँ तो आपके लिए शहीद आज किंचुक का आज नया गाना आने वाला है, सावन आया है। और बारिश की मैं बात करूं, बारिश आपका रिलेशन किंचुक और आपका एक अनोखा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, अगर कुछ आप बताना चाहोगे इस गाने में? नहीं यार, आई एम रियली एक्साइटेड ऐसा किंचुक के लिए दैट द सॉन्ग इज कमिंग आउट। तो मैंने अभी तक गाना देखा नहीं है, अभी देखूंगा और आई विल गिव यू माय फीडबैक कि कैसा लगा मुझे। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरा भाई जैसा है वो, और हमने एक डेढ़ साल साथ में शूट किया है, इतना अमेजिंग तरीके से, इतना मज़ा मस्ती मजाक किया, तो उसको गुड विशेस देने आया हूँ। अरे बाप रे, हम ट्विन कर रहे हैं। अरे नाइस, क्या बात है, कैसा था रिस्पॉन्स? आप देख के बताओ। कुछ कहना चाहोगे शहीद जी? आए ही ऑलवेज सपोर्ट्स को, हम देखते रहते हैं। और बारिश का क्या है, तो लाइक बारिश का अगर ब्रांड एम्बेसडर हो जाए तो शहीद जी। मैंने अभी वही कहा कि हमने नाम सावन इसलिए रखा क्योंकि इनके बारिश नहीं रखना था। बारिश के एंडोर्सर ये है। एंड भाई के साथ तो कनेक्शन आप देख लो, बिना बात किए हम ट्विन हो रहे हैं, मतलब जैकेट उठा। कैसा था? आओ आप देखो ना। तो जैसे कि बारिश तो आपका ही टैग है। अरे रहने दे, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग हैं, बहुत सारे अच्छे गाने यार, कितने फेमस, कितने बड़े बड़े गाने जो बारिश से रिलेटेड है। मेरे खुद जो जितने भी फेवरेट गाने हैं उनमें मैं तो किसी में नहीं हूँ, बट हाँ अच्छा लगता है ऐसा लोग। बट हमारे फेवरेट गाने में आप भी हैं। क्या बात है, क्या बात है, विशाल सर, क्या बात है, विशाल सर का फोटो नहीं, आप आना चाहते हैं? बट हमारे फेवरेट गाने में आप हैं। नहीं, इनफैक्ट मैंने अभी बस बताया इनको अंदर भी कि बारिश को आपको ट्रेडमार्क कर लेना चाहिए। अरे बाप रे, आपके अलावा बारिश का गाना कोई नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, बारिश नाम आपका अच्छा है तो लोग बोलते हैं, बट नहीं, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। तो हम जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके कुछ नए सॉन्ग, कुछ आने वाले, क्योंकि ऑलरेडी बारिश सॉन्ग में आपका हंगामा कर रहे हैं नाम के साथ, इससे पहले वाला भी एक सॉन्ग काफी हंगामा किया था बारिश वाला, हर बैक टू बैक मतलब करते रहते, तो कोई नया सॉन्ग खाली में, हमने आपको प्रोडक्शन हाउस में देखा गया था आपको स्पॉट करते हुए, कोई बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के, तो फिल्मों की कोई तैयारी तो नहीं हो रही? स्ट्रगल चालू है। देखते हैं साथ में कोई म्यूजिक एल्बम करने वाले हो? साथ में कौन सा मिला सबमिट शो था, साथ में शो करने वाला? बिल्कुल, अभी कोई लेगा तो डेफिनेटली करना चाहेंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, टीजर तो देखे मैंने सारे। अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। मैंने कहा ना अभी स्ट्रगल चालू, मतलब स्ट्रगल मतलब ऑडिशन देना, लोगों से मिलना, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेके बात चल रही है, अभी तक कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ है, जो ही कुछ वर्कआउट होगा तो डेफिनेटली आपको। फिल्म की तैयारी तो चालू हो चुकी है? वो तो पिछले 14 साल से कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि
नहीं नहीं वैसे अभी तक कुछ नहीं है बट हाँ भाई से पिछले 1.5 साल में बहुत कुछ सीखने मिला है। रोज वही चलता रहता है, वो मुझे ज्ञान देता है और मैं उसे ज्ञान देता हूँ। प्यार करना ऑन स्क्रीन। आपकी बात करूं तो आप बच्चों का देखा करते हैं सकला का भूल, और मैं साथ ही ये जानना चाहूंगा सबसे लेकर अब तक का सफर कैसे रहा आपका और इस सॉन्ग को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है, बहुत ही मज़ा आया है अलग अलग काम करते हुए, अलग अलग लोगों के साथ काम करते हुए। एंड हर प्रोजेक्ट एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जैसे अलबेला बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इनके साथ काम करने मिला, हीबा के साथ काम करने मिला, राजन सर के साथ काम करने मिला। एंड इस 1.5 साल में हमने बहुत कुछ सीखा। अब सावन आया भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। गुजरात जाके हमने गाना शूट किया, सो आप देखिए गाना और बताइए आपको कैसे लगा। सारा सुल्तान में कैसा रहा आपका बॉन्डिंग, आपका सारा सुल्तान जो सारा सुल्तान? नहीं अच्छा था, मज़ा आया शूट करते हुए। एंड उसे पता था क्या करना है एंड गुड को एक्टर टू वर्क। थैंक यू। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आ जाओ, दो दो अर्जुन से मिलने। अरे सर वही देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन पहले ये एक आखिरी सवाल कहा जा रहा है अरिका के साथ आपका गाना आने वाला, कुछ कैंसिल हुआ ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम एक दो प्रोजेक्ट को लेके बात चल रहा है। और दो दो अर्जुन मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। किंशुक एक भाई जैसा फिगर है मेरे लाइफ में, तो आज उसके सॉन्ग लॉन्च पे आके गिरो उसके हर एक पड़ाव में शायद साथ ही रहूँगा मैं, तो उसका साथ ऐसे छोड़ने नहीं वाला, उसने छोड़ दिया तो बात अलग है। बट नहीं बहुत एक भाई वाली फीलिंग, बड़े भाई वाली फीलिंग है इसके साथ। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू। और अच्छे से आप ऐसे बहुत सारे सावन आपके अच्छे जाएं। आप तीनों की अगर मैं बात करूं, जितने भी गाने हम देखते हैं कोई भी गाना हो गया आपका 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 फैंस इतना पसंद करते हैं, आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन करते हो और जिस दिन रिलीज रहता है उस दिन क्या कुछ मन में चलता है? स्टार्टिंग आपसे करेंगे। मैं तो बहुत नर्वस होता हूँ यार, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज देने से डर लगता है। तो बाकी सॉन्ग तो शूट हो जाता है आराम से, बट आई गेस मेन स्ट्रगल आजकल प्रमोशन है। तो प्रमोशन एक बड़ा टास्क होता है और यू कांट गो रॉन्ग देयर। सुमित आपसे जानना चाहिए, जो हाल ही में गाना आया सुमित का इतना हिट हुआ है, किस तरह से आप देखते हो रिस्पॉन्स का एंड क्या कुछ अपने फैंस को कहना चाहोगे? आई थिंक सो इट्स ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट, राइट? कोई भी प्रोजेक्ट सब लोग मिल के करते हैं, दो एक्टर्स होते हैं और एक्टर्स होते हैं, फिर बाकी टेक्नीशियंस होते हैं, सिंगर होता है, उसका कंपोजिंग होता है, सब चीज़ें होती हैं, सब साथ में मिल के लोगों को अच्छा लगे, बस यही एक मन में ख्वाहिश होती है हर एक आर्टिस्ट की। तो बस उम्मीद वही करते हैं कि अच्छा लगे उन लोगों को, कि हमारा काम जो है वो लोगों तक पहुँचे, उनके दिल को छू पाए। और इंटरव्यूज में मुझे सिर्फ इनसे डर लगता है, बहुत यूनिक है। अरे तो सबके फेवरेट है, सबके फेवरेट है। आपका सुमित का भी म्यूजिक एल्बम आ रहा है, कब तक हम तैयार करेंगे?
था, 19 को रिलीज़ हो रहा है राइट, उसका अभी थोड़ा काम चल रहा है, 19 को रिलीज़ होगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये मनोर में हमने शूट किया था, यहाँ से थोड़ा दूर है, गुजरात साइड जो हाईवे है वहाँ पे जाते आते आते हैं। मैं बस इन दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आए सपोर्ट करने, हमेशा वक्त पे आए एंड सपोर्ट करने, एंड थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। बस क्या बस क्या जो है ना 10 मिलियन आपके टीम में जाए, हाँ मतलब काम अच्छा करते हैं, जैसे सुमेध ने कहा कि लोगों को अच्छा लगे, बट आप लोग आते हो थैंक यू, क्योंकि आपके वजह से पता चलता है कि ऐसा कुछ हमने किया है एंड उसकी वजह से लोग जाके उसे देखेंगे एंड फिर है कि उन्हें अच्छा लगे कि बुरा लगे, बट सबसे ज़रूरी है कि लोग जाके उसे देखें। सो थैंक यू सो मच आप लोग भी यहाँ आए हो एंड गिविंग आउट द मैसेज। भाई पॉज कर, क्या बात है, बता क्या बात है, गोल्डन गर्ल गोल्डन परी सुनहरी परी सुमेधा भी आ रही है। सना जी सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपके गाने को लेकर, क्या कहना चाहोगे, सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल भी आज आप बहुत लग रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरा हमेशा से एक था कि आपने देखे कि मेरे इतने सारे सॉन्ग्स आए बट बारिश के ऊपर एक भी सॉन्ग नहीं आया, तो पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि बारिश के ऊपर सॉन्ग आया, ऊपर से वॉइस भी जिन्होंने दी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये मोहतरमा जो यहाँ पर है, सो आई एम सो सो हैप्पी एंड एक्साइटेड माशाल्लाह। बाकी तो आप लोग ही है, जनता के हाथ में सब कुछ, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। आई थिंक इट इज प्योर इमोशन, बारिश इज इमोशन इटसेल्फ एंड बारिश को लेकर हर किसी की यादें हैं, एंड हमारे डायरेक्टर साहब है मिलन जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक थॉट रखा था इस गाने को लेकर, हमारे प्रोड्यूसर जी है संकेत जी, सो इन्होंने गाने को क्या बोलते हैं सपोर्ट किया है, इनकी वजह से गाना बन पाया है, हमारे लिरिसिस्ट है आमिर एंड सुमेधा हु संग द सॉन्ग, शिबांग जिन्होंने पूरा म्यूज़िक कंपोज किया है, तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट जिसके वजह से सावन आया बना है एंड बहुत ही प्यारा गाना बना है जहाँ तक मुझे लगता है। अब आप लोग जाके देखिए इसे स्केलिफाई पर, यूट्यूब पर, एंड लेट अस नो आपको ये गाना कैसे लगता है। ये गाना एक दिन में शूट हुआ है, बट ये प्लान आई थिंक बहुत ही जल्द हुआ था एंड हमने बहुत इन्हें तंग किया है, इन्हें दिन रात हमने तंग किया है कि जल्दी गाना हमें रिलीज़ भी करना है, क्योंकि ऐसे ना हो कि बारिश का मौसम चला जाए। तो दिन रात इन्हें परेशान करके हमने ये गाना सावन आया है और अभी सावन जाने वाला है। एंड जहाँ तक रही बात गाने की एक लाइन सुनाने की, आई थिंक सिंगर विल डू द जस्टिस। जैसे कि सब लोग एक एक करके एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं गाने के लिए, प्यारा सा गाना है, सच में बहुत प्यारा सा गाना है, शिवांग ने बहुत प्यारा बनाया है, आमिर ने बहुत प्यारा लिखा है, एंड थैंक यू संकेत जी सबको एक साथ आने के लिए, इट्स अ वेरी ब्यूटी सॉन्ग, और बाकी सब सबने बोल ही दिया है तो आई जस्ट सिंग। गाएंगी मैम।
साथ में गाएंगे? Yes. At least you sing along. माइक चल रहे सावन आया यादों को लाया साथ में, सावन आया यादों को लाया साथ में, कैसे भीगे थे पहले बरसात में, ओ सावन आया यादों को लाया साथ में, सावन आया। थैंक यू। आइए सर, डायरेक्टर सर आप बोले कि सावन आ रहा है तो छाता लेके निकलना कि सावन आया है। मैं इनफैक्ट कहूंगा कि बिना छाता निकलो सावन में, बारिश में जाओ भीगो, फोन वोन सब घर छोड़ो, बचपन की तरह जाओ कीचड़ में कूदो एंड सावन एंजॉय करो। पर किसी के पास आपके जैसे हीरोइन नहीं होती ना सर। मैं यही कहने वाली थी कि सावन को देखने का दो नजरिया है, जो सिंगल्स है उनके लिए इट्स लाइक क्या यार बारिश हो रही है, बट जो कपल है उनके लिए बारिश हो रही है, तो वो वाला सीन है। सिंगल्स के लिए भी वैसा ही है, वो बारिश देख के ना इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा वैसे मैं सिंगल हूँ, मेमोरी नहीं होती। I'll call you. गाना जी, ये गाना कितना धमाल करेगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी बारिश को लेकर कई सारे एक्टर हैं, शेख नंबर वन है जी, बिल्कुल करण तेजल है, वो काफी हंगामा करते हैं, तो ये गाना कितना हिट होगा आपका? सी मैं क्यों, मैं पहली दफ़े किंशुक के साथ काम कर रही थी एंड आई डेंट रियली नो कि हाउ इट विल टर्न आउट, बट ही सच एन अमेजिंग को एक्टर टू वर्क विथ, आई थिंक केमिस्ट्री हमारी बहुत नेचुरली अच्छे से निकल के आई है। अगर मैं अब ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोगों के खुद ही तारीफ कर रही है, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और जहाँ तक धमाल मचाने की बात है, आई थिंक इंशाल्लाह इट शुड रियली डू वेल, एज आई सेड आप लोगों के हाथ में, बट अगर हमसे पूछा जाए तो वी रियली लव आवर सॉन्ग एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड यू नो टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्स। आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो, आपको बहुत फॉलोवर, बहुत सारे प्यार दे रहा है आपको जी, सुपर टीवी में से लेकर बॉलीवुड तक, ऐसा आप लोगों को बोल रही, मतलब सुन लो भाई मैं स्टार हूं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोलना क्या चाह रहे हो आप? वेरी स्मार्ट किंशुक, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? बहुत ही एफर्टलेस बॉन्ड था, बहुत ही मज़ा आया शूट करते हुए, एंड आई थिंक शूट करते हुए मेन थॉट जो था वो था आई थिंक एन्जॉय करना पूरे प्रोसेस को, क्योंकि जब हम एन्जॉय कर रहे थे तभी आई थिंक वो इतना मज़ेदार प्रोडक्ट बन पाया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, आप लोग आए और बस ऐसे ही मोहब्बत देते रहे आप। And I think thank you again sir, आपने ये गाना बनाया, आपको कुछ कहना है? शुक्रिया सर, सर प्लीज यहाँ पे आके बोले, सर प्लीज यहाँ पे। I am so humbled that I got such a nice team to work over there on this song. मुझे ऐसे मतलब किंशुक, this is his baby, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से अपनी बेबी के जैसे उसको प्यार दिया है। सना डिड सो ब्यूटिफुली, सुमेधा हैज जस्ट काइंड ऑफ संग इट सो मेलिफ्लुअसली, इतना फ्लॉलेसली गाया है। And of course, the two creators to start with, Amir bhai and Shibhangsh. It's such an amazing package. मुझे तो ये काम आया मेरे सामने और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, I'm taking so much of pride in this. इतना अच्छा आया है, I just feel that आप सबको उतना अच्छा लगे and you like whatever the fruit of labor has been. So I just hope you all like this this presentation of ours. Thank you so much, I am so humbled and I am out of words, running short of words over here, but I really loved playing whatever little part I had in this particular project. Thank you so much. Thank you so much. Inke support ke bina ye nahi ho pata. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm so haan ji.